व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सोशल स्ट्रक्चर? सोशल स्ट्रक्चर है क्या? सोसाइटी में जो हम इंट्रैक्शन करते हैं उसका जो पैटर्न है, जो एक इंटर रिलेशन बनाता है लोगों के बीच, तो मतलब इंडिविजुअल्स किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सोसाइटी में, सोशल, वो ही सोशल स्ट्रक्चर है। सोशल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। देखो, लोगों के बीच रिलेशनशिप है वो ऑर्गेनाइज सिस्टम में है। एंड इंस्टीट्यूशंस विद इन ए सोसाइटी दैट शेप एंड इन्फ्लुएंस सोशल इंट्रैक्शन। इंडिविजुअल जो है वो अकेला कहीं नहीं है सोसाइटी में, और सोसाइटी में लोग आपस में जुड़े हुए हैं या जोड़ने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जिसकी वजह से जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, मैरिज है, फैमिली है, तो सब एक इंसान के साथ कितने सारे रिश्ते हैं, तो ये सब मिले बनाते हैं सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। ये क्या है? ये रिलेशनशिप का पैटर्न है। एंड इंस्टीट्यूशंस विद इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर वो इंस्टीट्यूशन जो शेप करती हैं एंड इन्फ्लुएंस सोशल इंट्रैक्शन, मतलब हमारा इंट्रैक्शन किसके साथ कैसे होगा, वो सब चीज़ें डिफाइन होंगी इससे। सोशल स्ट्रक्चर एड्रेस करता है सोसाइटल नीड्स, मतलब हम सोसाइटी में रह रहे हैं, अलग अलग क्यों नहीं रह रहे हैं, मतलब कोई कहीं जंगलों में इस तरह से, क्योंकि हमारी कुछ ज़रूरतें हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए काम करते हैं इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि फैमिली हमारी नीड है, फिर हमें एजुकेशन चाहिए, रिलीजन, ये सब चीज़ें हमारे मिलके बनाते हैं। सोशल स्ट्रक्चर एड्रेस करता है सोसाइटल नीड्स को, जैसे कि फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन। सोशल स्ट्रक्चर डिफाइन एन इंडिविजुअल्स रिलेटिव स्टैंडिंग एसोसिएटेड विद रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, मतलब किसी भी इंसान का क्या रोल है और क्या उससे एक्सपेक्टेशन है, मतलब हर इंसान से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन हर किसी की है, तो सोशल स्ट्रक्चर वही डिफाइन करता है कि तुम्हारा क्या रोल है और क्या तुम्हें करना चाहिए और क्या तुमसे एक्सपेक्टेशन है। सोशल स्ट्रक्चर गिव अस द एबिलिटी टू इंटरप्रेट द सोशल सिचुएशंस वी एनकाउंटर। देखो, सोशल इंसान एक ऐसा है कि हम कल क्या होगा सिचुएशन का हमें कुछ नहीं पता, मतलब कल की तैयारी हम करते रहते हैं पर हमें एक्चुअली नहीं पता कल हो क्या जाए, तो उस चाहे जो सिचुएशन हो उसके लिए तैयार करता है ये स्ट्रक्चर हमें, क्योंकि कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। तो इंसान आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि अगर कुछ भी हो तो एक दूसरे को संभाल सके, सोसाइटी में संभाला जा सके, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें ना हो, तो सोशल स्ट्रक्चर इस तरह से लोगों को बांधे रखता है कि वो हर सिचुएशन को इनकाउंटर करके सॉर्ट आउट कर सके चीज़ों को।